नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल मार्गदर्शक। तो दोस्तों, आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि आप कुछ वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, बट किसी कारण से वो वेबसाइट खुलती नहीं है, उसमें कुछ एरर आ जाते हैं, या तो कनेक्शन प्रॉब्लम है या कुछ और एरर आ जाते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हमने गलत वेबसाइट इंटर की है, या तो वो डोमेन ही एक्टिव नहीं होगा, या हमारा इंटरनेट कनेक्शन चला गया बीच में, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ वेबसाइट्स हैं जिसे गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट ISP को इन्फॉर्म करती है कि आपको इन वेबसाइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। उन्हीं के इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमारे जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो उन वेबसाइटों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो इस कारण आप उन वेबसाइटों को खोल नहीं पाते। तो वो वैसी वेबसाइट्स होती है जो समाज हित में नहीं है, जैसे कि पॉर्न वेबसाइट्स, और कुछ वो पायरेसी की वेबसाइट्स होती है जिस पर वीडियोज, मूवीज, सॉफ्टवेयर फ्री में आपको मिल जाते हैं। तो वो सब वेबसाइट्स को गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बट इसके साथ कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो अच्छी वेबसाइट्स है वो भी ब्लॉक हो जाती है। कारण ये है कि जो ISP होती है वो डायरेक्टली उन वेबसाइट्स को नहीं ब्लॉक करती है, वो कुछ कीवर्ड्स को ब्लॉक करती है, और उन कीवर्ड्स में अगर अच्छे वेबसाइट्स भी मैच कर जाते हैं तो वो वेबसाइट्स भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाके कह नहीं सकते कि आपकी ये वेबसाइट्स खुल नहीं रही है, क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं है। तो आप इन सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? इन सिचुएशन में आपकी हेल्प के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा नुस्खा बताऊंगा। बहुत आसान है, आपको इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके क्रोम ब्राउजर में ही चल जाएगा, क्रोम या कोई फायरफॉक्स में भी चल जाएगी। ये एक छोटा सा एक्सटेंशन है जिसको आपको ऐड करना पड़ेगा और वो 2 मिनट में कनेक्ट कर लेता है। ये एक तरह का VPN है, और बहुत ही लाइट VPN है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है, कोई इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा आपको। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसे सीखने के पहले सबसे पहले आप अपने कोई भी ब्राउजर में जाइए, जैसा कि मैंने यहाँ पर खोल रखा है अपना क्रोम ब्राउजर। तो आप अपने ब्राउजर में जाइए, जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा क्रोम ब्राउजर में कैसे करते हैं, तो सीखते हैं कि क्रोम ब्राउजर में कैसे इसको इंस्टॉल कर लें। तो पहले आप जाइए, इसके लिए आपको क्रोम वेब स्टोर में जाना पड़ेगा। क्रोम वेब स्टोर में चले गए, यहां पर आपको सर्च करना होगा अल्ट्रा सर्फ। ओके, ये पहला जो लिंक है अल्ट्रा सर्फ सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड अनब्लॉक VPN, तो इसे ऐड टू क्रोम कर लेते हैं, ऐड एक्सटेंशन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक्सटेंशन ऐड हो गया है और ये कनेक्ट भी हो गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये अभी कनेक्टेड है। तो पहले मैं इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ और मैं एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ कि कैसे वो वेबसाइट मेरे नॉर्मल स्टेट में खुल नहीं रहा है, और उसके बाद मैं उसको बताऊँगा कि कैसे ये अल्ट्रासर्फ स्टार्ट करने के बाद ओपन हो जाता है। देखिए, मैंने ये torrents.eu टाइप किया, ये एक टॉरेंट की वेबसाइट्स है जो एक्चुअली अभी के टाइम में ब्लॉक्ड है। तो मैं इसी को वेबसाइट को आपको खोल के दिखा रहा हूँ कैसे ये वेबसाइट्स ओपन नहीं हो रही है अभी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही है, और ऐसा कुछ एरर आ रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, torrents2.eu टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड, ऐसा कुछ एरर आपके पास आता है, करेक्शन टाइम आउट
ये सब आएगा। तो अब क्या करते हैं, हम अपना अल्ट्रासर्फ स्टार्ट करते हैं। तो इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे ये कनेक्ट होगा, एक टैब ओपन होगा जिसमें अल्ट्रासर्फ वेबसाइट पर वो डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अल्ट्रासर्फ कनेक्टेड हो चुका है। तो अब हम इसी वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा स्लो हो जाता है नॉर्मल इंटरनेट ब्राउजिंग से, क्योंकि ये बाईपास कर रहा है आपके सिस्टम को। ये आपके इंडिया के सर्वर से नहीं कनेक्ट हो रहा है, ये आउटसाइड इंडिया के सर्वर से कनेक्ट होके आपको ये वेबसाइट ओपन करने का एक्सेस दे रहा है, इसलिए ये थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिफोर अल्ट्रासर्फ ये ओपन नहीं हो रहा था, जैसे ही हमने अल्ट्रासर्फ स्टार्ट किया ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया। तो मैं अश्योर करा देता कि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जिनके ऐसे ही एरर आते हैं, वो सारे वेबसाइट अल्ट्रासर्फ से खुल जाते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा कोई वेबसाइट होगा जो नहीं ओपन होगा। अगर वो नहीं ओपन होता है तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन आज तो मैं बस अल्ट्रासर्फ के बारे में ही बताऊंगा। इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन सारी वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं ओपन करने के, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये सारे यूजर्स यूज कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी नहीं है, तो ये क्रोम ब्राउजर में ही आप सारे कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने बताया कि आप अल्ट्रासर्फ की मदद से कैसे रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स को भी ओपन कर सकते हैं। हालांकि ये ही एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो उन सॉल्यूशन पर मैं आगे बात करूंगा। अगर आपको इस अल्ट्रासर्फ के इंस्टॉलेशन या इससे जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने मिला हो, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। अगर उसे आप प्रेस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारी नई वीडियो कब आ रही है। अगर आप रियली इंटरेस्टेड है मेरी नई वीडियो के लिए तो वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।